हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल एक विशेष दिन है ना, रामनवमी। तो उस दिन राम जी का प्राकट्य हुआ था, नवमी के दिन। तो भगवान राम जो है वो एक आदर्श है ना, और वो आदर्श होने चाहिए हम सभी के लिए, है ना। आज के समाज में हम देखते हैं कि हमारे फिल्मी हीरो, क्रिकेटर्स, ये सब लोग जो हमारे आदर्श बने हुए, तो ये लोगों का जो कैरेक्टर होता है वो ये दिखाते तो जरूर हैं कि उनकी क्वालिटी राम जी जैसी है, लेकिन अंदर से वो सब असुर होते हैं, है ना। तो जब हम भगवान को अपना हीरो, अपना आइडल मानते हैं, तो हम सुखी रह सकते हैं। इवन भगवान के चरित्र का गान करने से और भगवान की महिमा श्रवण करने से, दर्शन करने से, है ना, भक्तों का एसोसिएशन करने से, भगवान की सेवा करने से, जीव जो है वो क्या हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। तीनों जो ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, है ना। तो आजकल के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स हैं, है ना, सो कॉल्ड स्कॉलर्स है, वो दावा करते हैं कि हमारे पास पूरा मटेरियल है कि हम इन सब चीजों से छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन आज तक कोई दिला नहीं पाया। तो दिलाने का जो कार्य होता है वो भगवान कर सकते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी का प्राकट्य अयोध्या में हुआ, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे अयोध्या में भी भगवान का भव्य मंदिर जो है वो निर्माण हो रहा है, और भगवान का जो सुंदर प्रतिमा जो है स्थापित की गई है, और आज करोड़ों लोग, हजारों लोग दर्शन करने आ रहे हैं। अद्भुत मंदिर बन रहा है, बिल्कुल हमने भी अपने अभी गए थे, दर्शन करके आए हैं और दर्शन करके देखा, बहुत सुंदर मंदिर, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। हम सभी को जरूर जाना चाहिए अयोध्या के उस स्थल पर जहाँ पे भगवान का जन्म हुआ है। बहुत सुंदर मंदिर है, और उस प्रांगण में जाना ये सब सिद्ध करता है, वहां उन जगहों को देखना कि भगवान जो है वो काल्पनिक नहीं है, भगवान को कोई कल्पना का विषय नहीं है, या भगवान रामचंद्र केवल एक क्वालिटीज हैं, उनमें वैल्यूज हैं, ऐसे महापुरुष नहीं है ना, वो भगवान है। ये इम्पोर्टेंट है समझना। तो आइए हम एक बहुत सुंदर जो भगवान के बारे में स्तुति की गई है वो करना चाहिए। कल रामनवमी है तो हमें राम कॉन्शियसनेस जरूर होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करें, तो बाकी सब तो जानते हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का ब्रह्म मुहूर्त में के स्नान आदि करके जप करना चाहिए, है ना। उसके बाद हमें मंदिर जाना चाहिए, भगवान के लिए तरह तरह के हम प्रसाद व्यंजन बना सकते हैं, भोग ऑफर कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, ये सब तो सभी करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान से हम प्रार्थनाएं करते हैं, उत्सव मनाते हैं, है ना। तो जनरली लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी स्तुतियां गाएं, क्या करें, तो हमारे आचार्य ने स्तुतियां दे के गए हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत से ऐसे रामायण है, रामचरित्र मानस, इनके फेमस प्रसंग है जिनको हम गा सकते हैं, और एक और भी बहुत सुंदर है, लोकाभिरामम स्तुति, ये भी आप गा सकते हैं, जिसकी जो प्रथम दो लाइनें हैं ये भगवान के प्रणाम मंत्र के रूप में भी किया जा सकता है। तो आइए आप थोड़ा सा विचार करते हैं और आप लोगों को ये बताते हैं, तो आप सब भी अपने घर में इसको गा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणा करतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तो ऐसे हम ये जो फर्स्ट टू लाइन है इसको प्रणाम मंत्र के रूप में गा सकते हैं, तो इसको गाया भी जा सकता है बहुत सुंदर से। तो हम गा के इसको देखते हैं। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणा कर्तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तो यहाँ पे भगवान को बोला गया है कि भगवान कैसे हैं, लोकाभिराम, लोगों में आनंद को प्रदान करते हैं, रणरंग धीरम, भगवान जो हैं रण में भी धीर रहते, और उनके नेत्र कैसे हैं, राजीव नेत्र, कमल के समान सुंदर नेत्र है ना, और रघुवंश नाथ, रघुवंश में नाथ है, रघुवंशियों के नाथ है राजचंद्र, और कैसे हैं, कारुण्य के मूर्ति ही है भगवान, छोटी मोटी करुणा नहीं करते हैं,
करुणा के पूरे मूर्ति ही है भगवान, मूर्तिमान स्वरूप अगर करुणा को बनाया जाए तो है भगवान श्री राम। तो हे करुणामय भगवान, आप करुणा करतम, आप हमारे ऊपर भी करुणा कीजिए। इस संसार में हम फंसे हैं और त्रितापों से जल रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर करुणा कीजिए। ऐसे श्री रामचंद्र के मैं शरण ग्रहण करती हूँ। दिस इज द वे। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने से भजन क्रिएट करने के बजाय यदि हम आचार्यों के भजन गाते हैं, केवल बोलते भी हैं, तो क्योंकि उनको भगवान की कृपा प्राप्त है, तो भगवान भी हमको भी हमारे ऊपर भी कृपा प्रदान करते हैं। तो ये भजन बहुत सुंदर है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? हरे कृष्ण, कैसा अच्छा है माता जी, लग रहा है? तो इसको हम गाएंगे, है ना? आप सब भी गाइएगा और लर्न करिए और अपने अपने घरों में स्तुति कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं। बहुत सुंदर है और ये भाव भी बहुत सुंदर है। ठीक है। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंश नाथम् कारुण्य रूपम् करुणाकर्तम् श्री रामचंद्रम् शरणम् प्रपद्ये मनोज मारुत तुल्य वेग जितेन्द्रियम बुद्धिमंताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुतमोक्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ये हनुमान जी को प्रणाम, है ना? मनोज मनोजव मारुत तुल्य वेगम राजीव नयनम धरे धनु सायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊ जासु कृपा निर्मल मति पाऊ ताके जुगपद कमल नवाऊ जासु कृपा निर्मल मत पाऊ। गाया राजीव नेत्रम रघुवंश नाशम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊ जासु कृपा निर्मल मति पाऊ महावीर बिनवउँ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहीं राम सर चाप धर कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दनमयम् सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। है ना? तो इस तरह से वंदन कर सकते हैं। लोकाभिरामम् रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाशम करुणारूपम करुणाकर्तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये श्री रामचरणम शरणम प्रपद्ये। है ना? तो भगवान को विशेषण के साथ गा रहे, भगवान की विशेषता बताते हुए गा रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी हम एक और प्रसंग लेते हैं, वो है बहुत फेमस है, भगवान के जब प्रकट होता है तो ये गाया जाता है ना? वो है रामचरितमानस, है ना? तो रामचरितमानस में जो बाल्यकांड है
उसमें जो वर्णन आता है कि श्लोका नंबर इसमें है कि 1.191, तो छंद में आता है ये वर्णन, भय प्रगट कृपाला। कितने लोगों का आता है? ओ सभी को आता, वेरी नाइस। तो ये राम जी की स्तुति है जब भगवान का प्राकट्य होता है। तो आइए इसको थोड़ा अर्थों के साथ समझ लेते हैं और इसको हम भगवान के प्राकट्य दिवस पर हम गाएंगे, है ना। भगवान के भजन जो है गाए जाते हैं, तुलसीदास जी ने खोल लिखा, भगवान के बहुत सुंदर भक्त है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि दीनों पर दया करने वाले माता कौशल्या के हितकारी प्रकट हुए हैं, और मुनियों के मन को हरने वाले भगवान के अद्भुत रूप का विचार कर माता कौशल्या हर्ष से भर गई। इतने सुंदर है भगवान। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भगवान क्या है? अति सुंदर। ऐसा नहीं मेकअप लगा के भगवान सुंदर है। भगवान सुंदर है। भगवान जब आभूषण पहनते तो आभूषण सुंदर हो जाते है ना। तो इतने सुंदर है भगवान। प्रभु के दर्शन के दर्शन नेत्रों को आनंद देने वाले, और उनके जो मेघ श्यामल कलर का उनका जो रंग है, और उन्होंने जो चार भुजाओं में आयुध धारण किए, और उनके आभूषण कैसे हैं? भगवान के आभूषण नॉर्मल लोई बाजार में मिलने वाले नहीं होते हैं, है ना। भगवान के आभूषण दिव्य होते हैं, जैसे भगवान है भगवान की तदीय भी दिव्य होती है, और उन्होंने सुंदर वन माला पहन रखी है, और भगवान के नेत्र कैसे हैं? विशाल सुंदर कमल नयन। इस प्रकार के शोभा के समुद्र है भगवान। और क्या कर सकते हैं? खर आदि जितने भी राक्षस हैं उन सबको भगवान वध कर सकते हैं, ऐसे भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो क्या करना चाहिए? कह दूह कर जोरी अस्तुति तोरी, के ही विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञाना अति आमाना वेद पुराण भनंता। कि मैं दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या कहने लगी कि हे अनंत, आप तो अनंत है भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं, किस विधि से करूं, क्योंकि वेद पुराण ने तुम्हें माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बताया, क्योंकि भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज बताया जा रहा है ना। तो भगवान जो है उनको साधारण पुरुष नहीं है, इनको साधारण डील नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान की लीलाओं को भी साधारण डील नहीं करना चाहिए। तो रामचंद्र का जो अवतार हुआ है वो अवतार क्यों हुआ है? कि समाज में आदर्श को स्टैब्लिश करने के लिए, है ना। एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, आदर्श पति कैसा होता है, आदर्श राजा कैसा होता है, इस आदर्श को मनुष्य समाज में जो है स्थापित करने के लिए, आदर्श भाई कैसा होता है ना, आदि सभी तरह के जो आदर्श है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए मनुष्य समाज में भगवान ने अवतार लिया, क्योंकि भगवान के अलावा आदर्श को बताने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य का जीवन जो होता है पशुओं के समान नहीं होता। मनुष्य शरीर इसलिए मिलता है कि जीव जो है ये अपना जो स्थिति है उसको समझ सके, कि वो भवसागर में पड़कर दुखों से पीड़ित हुआ है ना, दुखों से पीड़ित है, नाना प्रकार के कष्ट और योनियों में जा रहा है। अगर मनुष्य शरीर में उसने अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लिया, यानी भगवान के साथ अपने संबंध को वापस रिवाइव कर लिया, तो क्या हो जाएगा? वो भगवत धाम वापस चला जाएगा, उसके सारे दुख जो है समाप्त हो जाए। लेकिन जीव ऐसा करता नहीं, जीव क्या करता है? केवल अपना सुख देखता है ना, दूसरों के सुख के लिए वो नहीं सोचता है ना। तो भगवान कैसे हैं? करुणा, करुणा के सागर है, दूसरों की करुणा को देखते हैं और दूर करने की क्षमता देखते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमेशा ईर्ष्या करते हैं सबसे, है ना, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं लोगों से, इसीलिए कभी भी हमारा कृपा भाजन नहीं हो पाता है ना। तो हम फिर क्या होते हैं? दूसरे से ईर्ष्या करने के कारण, द्वेष करने के कारण, हर किसी को सताने के कारण क्या होते हैं? अलग अलग योनियों में जाते। तो जो लोग
बहुत ज्यादा किसी को यातना देते हैं, बहुत ज्यादा सताते हैं, तो उनका जन्म वृक्ष के, है ना। तो वृक्ष देखिए कैसे खड़ा रहता है, उसको काटिए पीटिए मारिए, धूप है जाड़ा है गर्मी है बरसात, पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, सहन करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने पहले सबको कष्ट दिया होगा। तो देखिए अगर आपको मनुष्य शरीर नहीं है और वृक्ष वगैरह का शरीर मिल गया तो हमें कितना कष्ट है ना। कीड़े मकोड़े थोड़ा सा रिएक्शन कर सकते हैं, है ना, कम से कम रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं, इससे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर में जीव जो है वो अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है, ग्रंथ पढ़ सकता है, गीता भागवत को समझ सकता है और अपना जीवन का कल्याण कर सकता है। बाकी यूनियो में ये फैसिलिटी नहीं, इसलिए अपना कल्याण करने के लिए जीवों को भगवान की शरण ग्रहण, आज हम लोग न जाने किसकी किसकी शरण ग्रहण किए हुए है ना, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम भगवान की शरण करें, इसलिए भगवान का प्राकट्य है ना। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गा वही श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। बोलेगी इस जो श्रुति लो है ना, और संत जन ने आपको क्या कहा है कि आप करुणा के सागर हैं और सुख के भी सागर हैं, आनंद प्रदान करते हैं आप, सुख और आनंद के सागर हैं। देखिए हम चाहते हैं कि हम सुखी हों, है ना, लेकिन हम कैसे सुख चाहते हैं, हम शाश्वत सुख चाहते हैं, और वो शाश्वत के सागर कौन है, वो भगवान है। आपके सभी गुणों की क्या बखान किया जाए, आप में गुणों का खान है, तो एक्चुअल में भगवान है। भगवान जैसा दिखते हैं, जिन गुणों के बारे में बोला जाता है, वो गुणों के वो भगवान क्वालिटी उनके अंदर भी होती है, व्यवहार में भी वो क्वालिटी होती है, यानी अंदर और बाहर दोनों रूप से भगवान सम होते हैं, है ना। तो जन जन पर अपनी प्रीति रखने वाले ऐसे श्री लक्ष्मीपति मेरे कल्याण करने के लिए प्रकट हुए। देखिए भगवान प्रकट किस लिए होते हैं, इसलिए जब हम ये स्तुतियां गाते हैं तो हमारे भी जो है वो मनुष्य जीवन सार्थक होता है। केवल स्तुति गाने मात्र से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हम दुखों से राहत प्राप्त करते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। और ये बात कौन कह रहे हैं, जो श्रुतियां हैं, वेद हैं और बड़े बड़े जो संत हैं वो भी ये बात कह के गए कि हम सही आश्रय तत्व ग्रहण करें। श्री प्रभुपाद भी बोलते हैं हमें भगवान की शरण करनी चाहिए, राम की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे ममौर सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिरत न रहे। वेदों में वर्णन है कि आपके रोम रोम में से कई ब्रह्मांड जो है वो समाये रहते हैं, यानी भगवान के रोम से जो है अनेक ब्रह्मांड का प्राकट्य होता है, और ये संपूर्ण माया जगत का निर्माण भी भगवान के द्वारा ही होता है ना। हमने भी भागवत में पढ़ा है, भगवान विष्णु का अवतार लेते हैं, विष्णु अवतार तीन फॉर्म में अपना एक्सपेंशन करते हैं, कारुणोदक्षाई गर्भोदक्षाई शिरोदक्षाई विष्णु, और फिर इस ब्रह्मांड भौतिक जगत का निर्माण होता है। तो माँ कौशल्या कहती है कि आप मेरे गर्भ में रहे, आप अनंत हैं, भगवान हैं, अजन्मा हैं, लेकिन आप जन्म लेते हैं, कितने आश्चर्य की बात है। ऐसे ही कुंती महारानी भी कहती है ना, कि भगवान आपके जो जन्म कर्म है वो जो है वो अत्यंत विडंबनम है ना, बड़े बड़े संत भी नहीं समझ सकते, इसके लिए हमें शुद्ध भक्तों की आवश्यकता है ना। एक तरफ कहते हैं कि भगवान अजन्मा होते, दूसरी तरफ आप मेरे गर्भ में है, ये आश्चर्य है और हास्यपद भी लगता है, लेकिन धीर ज्ञानी जन जो बुद्धि स्थिर नहीं रहती वो विचलित हो जाते, लेकिन जो भक्त होते वो जानते हैं कि भगवान में विरोधाभास गुण एक साथ पाए जा सकते हैं और वो होते भी हैं, है ना। भगवान अजन्मा है लेकिन जन्म भी ले सकते हैं, तभी वो भगवान है ना। इस तरह से भगवान जो है अनेक प्रकार की चीजें, भगवान ने ही माया का निर्माण किया लेकिन भगवान मायापति है, तो इस तरह से भगवान के जो गुण होते हैं वो बिल्कुल विपरीत होते हैं, है ना। आगे देखिए क्या बोलते हैं, उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेई प्रकार सुत प्रेम लहे। तब बोल रहे हैं माता जो है इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न हुआ तो भगवान जो है मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि यदि माता को ज्ञान हो गया है लेकिन प्रभु अवतार
कई प्रकार के चरित्र करना चाहते थे। अतः माँ ने अतः प्रभु ने पूर्व जन्म की कथा माता को सुनाकर समझाया, जिसे वह अपने पुत्र के समान प्रेम और वात्सल्य उन्हें प्रदान कर सके। माता पुनि बोली सुमति डोली, तजहु तात यह रूपा, तात यह रूपा की जय शिशु लीला, अति प्रिय सीला यह सुख परम अनुपा। ठीक है भगवान, आपने बता दिया कि आप मेरे पुत्र के रूप में आए हैं, तो प्रभु से वो बोलने लगी, देखिए माता कौशल्या कहती है कि बुद्धि में परिवर्तन हो गया है मेरे, और वो कहने लगी आप ये रूप छोड़ दीजिए जो विराट रूप मेरे सामने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, है ना, क्योंकि इस रूप में मैं अपना वात्सल्य प्रकट नहीं कर पा रही हूँ। आपको अगर वात्सल्य रस का आस्वादन करना है या वात्सल्य रूप में आना है, तो आपको शिशु लीला करनी पड़े, छोटे से बच्चे बनिए, ये रूप छोड़ दीजिए और शिशु रूप में आइए, अत्यंत प्रिय बाल रूप धारण कर बाल लीलाएं कीजिए, यह सुख सबसे उत्तम है, अनुपम होगा और आप सुंदर बालक रूप में प्रकट हो जाइए। राम लला की जय। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहीं, हरि पद पावहीं, ते न परहि भवकूपा। देखिए तुलसीदास जी लिख भी रहे हैं बात कि भगवान के ये प्रेम भाव सुनकर देव जो सभी के स्वामी, देवताओं के स्वामी भगवान जो है बालक रूप में प्रकट हो गए। अब भगवान को तो रोने आता नहीं है, तो उनको जबरदस्ती रोने की लीला करनी पड़ती है ना, तो बच्चों की तरह रोना शुरू कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये चरित्र गावे केवल गाता है तो उसको क्या होता है, हरि पद प्राप्त होता है, भगवान के सेवक के रूप में उसका जो है वो शाश्वत स्वरूप प्रकट हो जाता है, भगवत धाम जाता है और वो पुनः इस संसार में दुख भोगने के लिए वापस नहीं आता। तो भगवान का चरित्र गाने के लिए भी कितना होता है। तो देखिए ये सब छंद थे, अब दोहा है कुछ। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ब्राह्मण गो देवताओं संतों के हित के लिए प्रभु ने धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लिया है, वो माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे है, उनका शरीर अपनी इच्छा से बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, भगवान का शरीर जो है वो सच्चिदानंद है ना। तो यही श्लोक जो है देखिए मिलता जुलता है ना, परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यहाँ पे देखिए भगवान ने जो कहा और जो संत लोग बोल रहे हैं, दोनों सिमिलर बात बोल रहे हैं, इसलिए भगवान का अवतार होता है, इसलिए भगवान मनुष्य तन धारण करके आए। आगे यही तक है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये गा सकते हैं और अपना मनुष्य जीवन है सार्थक कर सकते हैं। सियावरे रामचंद्र की जय, रामनवमी की जय, दाई गौर विवनंदे, हरि हरि।